जानते ही हैं। आमतौर पर सिनेमा में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, हीरोइन होती है और ढेर सारे सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं। हर कलाकार इंडस्ट्री में अपने अपने सपने सजो कर आता है, किसी को हीरो बनना है तो किसी को विलेन। लेकिन बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो हर तरह के रोल में छाप छोड़ जाते हैं। चाहो तो उन्हें लीड रोल में हीरो बना लो या फिर विलेन, वो दर्शकों को खुश करना भी जानते हैं और डरा कर रुलाना भी। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही स्टार्स के बारे में जिन्होंने विलेन का रोल किया जो दर्शकों को काफी पसंद आया। राज बब्बर। बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता को करियर की शुरुआत में ही नेगेटिव रोल ऑफर होने लगे। इंसाफ का तराजू में इनकी एक्टिंग ने 3 घंटे के लिए ही सही हर दर्शक के दिल में गुस्सा भरने का काम किया। आंखें, दलाल और याराना ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें राज बब्बर ने नेगेटिव रोल में जान फूंक दी थी। जैकी श्रॉफ। अपने जग्गू दादा किसी समय हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन को टक्कर देते थे, लेकिन मिशन कश्मीर और आन जैसी फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल ने बहुत से लोगों को झकझोर कर रख दिया था। संजय दत्त। सीधा साधा सा रॉकी पर्दे पर खलनायक बन गया। अग्निपथ में उनके अंदाज को भुलाना तो नामुमकिन है। वास्तव में अंडरवर्ल्ड डॉन रघु नाम का उनका किरदार तो हर किसी के जहन में आज भी ताजा है। अजय देवगन। अजय देवगन उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जो आंखों से एक्टिंग करते हैं। उनकी आंखों में आग भी है, रोमांस भी और खौफ पैदा करने वाली ताकत भी। दीवानगी, खाकी और काल में उनके नेगेटिव किरदार को फिल्म फेयर नॉमिनेशन तक मिल चुका है। शाहरुख खान। पर्दे पर रोमांस का जादू जगाने वाले शाहरुख खान की 2 फिल्में देख लीजिए, डर और अंजाम। एक सन की आशिक कितना खतरनाक हो सकता है, शाहरुख ने पर्दे पर इस डर को इन दोनों ही फिल्मों में दिखाया है। नाना पाटेकर। 1993 में फिल्म आई थी अंगार, इसमें अगर आपने नाना पाटेकर को देख लिया तो यकीन मानिए यशवंत लोहार को भूल जाएंगे। करिश्मा कपूर के साथ शक्ति द पावर और अजय देवगन के ऑपोजिट अपहरण में नाना ने नेगेटिव रोल में जान फूंकने का काम किया था। अक्षय कुमार। खिलाड़ी कुमार से देशभक्त कुमार बन चुके अक्षय ने अपने सिनेमाई करियर में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं। हालांकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन अजनबी में उनका नेगेटिव रोल देखने लायक है। अमिताभ बच्चन। महानायक अमिताभ बच्चन एक्टिंग की यूनिवर्सिटी है। बात रोमांस की हो, एक्शन की या फिर नेगेटिव रोल की, सच यही है कि अमिताभ का कोई सानी नहीं है। आखिर फिल्म में उनका नेगेटिव रोल अंदर तक असर करता है। मनोज वाजपेयी। बॉलीवुड के सबसे मजे हुए एक्टर्स में शुमार मनोज वाजपेयी की अक्स और रोड ऐसी फिल्में हैं जिन्हें देखकर हर कोई खौफ ज़दा हो जाता है। राजनीति फिल्म में एक कुशल राजनेता के नेगेटिव किरदार में भी वो खूब जचे थे। अर्जुन रामपाल। मॉडल से एक्टर बने अर्जुन रामपाल को ओम शांति ओम में देख पहले पहल तो लोग पहचान ही नहीं सके। चलने से लेकर बोलने के अंदाज तक में हैवानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो फिल्म दाजी में एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। रावण में भी उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था। सुनील शेट्टी। बढ़ती उम्र ने जैसे अन्ना के शरीर को और ताकत दे दी है। मैं हूँ ना कर राघवन तो भूले नहीं भुलाता। सनी देओल के ऑपोजिट खेल में भी सुनील ने नेगेटिव रोल प्ले किया था। और हाँ, धड़कन फिल्म में अंजलि के प्यार में पागल आशिक भी तो सुनील ही थे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।